सी खबर अब आपके लिए लेकर आए हैं जो बड़ी प्रेरणादायक है। मुंबई का एक इलाका है डोंगरी, झोपड़पट्टियों से भरा हुआ यह इलाका है। एक समय में अपराध की कहानियां की वजह से डोंगरी की पहचान थी। डोंगरी जो दुबई नाम की एक किताब है जिसमें दाऊद इब्राहिम जो डोंगरी से निकलकर कैसे पहुंच जाते हैं दुबई तक, उसमें इसका जिक्र आता है। लेकिन यहां के रहने वाले एक लड़के ने ऐसी कामयाबी हासिल की है कि उसने कम से कम एक नई कहानी लिखने की कोशिश जरूर की है। यहां की तंग गलियों से निकलकर एक मजदूर के बेटे ने पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। अपने पांचवें अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास करके मुंबई के डोंगरी की झुग्गी बस्ती में नेता की जगह एक मजदूर के बेटे का पोस्टर टंगा है। 27 साल के मोहम्मद हुसैन सैयद ने पांचवी बार में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। सफर में कई रोड़े थे लेकिन 570वीं रैंक हासिल करने में कामयाब रहे। आसान तो नहीं था सफर, लेकिन ये चैलेंजेस में ये एग्जाम की ड्यूटी है। ये एग्जाम अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में पास हो भी जाता तो मुझे लाइफ में इतना सीखने नहीं मिलता। उस डोंगरी इलाके में रह के मैंने अपने आंखों से सामने देखा था कि लोग किस तरह से बुरी आदतों में लग के अपना करियर खराब कर लेते हैं, और मुझे भी खुश शर्म आती थी कि अब क्या जवाब दूँ, मैं एक फेलियर हूँ। बार बार लोग पूछते हैं, सबको पता चलता है एरिया में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अक्सर मैं लोगों को मुस्कुरा के बोलता था कि दुआ करो, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जून में है, अभी अगस्त में है, अभी सितंबर में। फिर एक टाइम बाद अक्सर लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के अक्सर ने पूछना छोड़ दिया था, और देखते थे चलो बच्चा मेहनत कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन फाइनली थोड़ा थोड़ा कर करके नज़दीक आके फाइनली हो गया ये एग्ज़ाम। मुंबई पोर्ट पर मजदूरी करने वाले इनके पिता बात करते करते अपने आंसू पोंछते हैं। कहते हैं कभी खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन सपना था कि बच्चा एक दिन अफसर बने। मैं सैयद, मेरा नाम से बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई आपके बेटे को सर। अभी तो बहुत आगे सफर तय करना है। ऊपर वाले ने उम्मीद रखा था। कुछ कहना चाहते हैं अपने पिता को? आप बहुत भावुक हो रहे हैं इस वक्त। हाँ, अब्बा मेरे मैन ऑफ वर्ड नहीं, मैन ऑफ एक्शन है। अब्बा बात अदा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ काम अब्बा को बोला जब भी मैंने, अब्बा ने बहुत बहुत एफर्ट लगा के किया, तो मैं अब्बा से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अब्बा मेरे थे बचपन में, बहुत कंट्रोल किया था, बचपन में बहुत बुरा लगता था कि अब्बा कुछ करने देते ही नहीं है, तो लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उन रिस्ट्रिक्शंस का बहुत फ़ायदा हो गया है कि मेरा फोकस बढ़ गया। सो वो पढ़ाने की मेरी ख्वाहिश थी कि भाई क्योंकि रहना है तो पढ़ना है। हमने नहीं पढ़ा तो हम मजदूरी कर रहे। आपने खुद पढ़ाई नहीं की? कितनी पढ़ाई की? कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हम चाहते थे कि भाई हमारा बच्चा पढ़े, तो हमारे ऊपर वाले दोस्तों बच्चे मेरे पढ़े लिखे, उन लोग कंधे से कंधा मिलाने के बाद इतने दूर तक पहुँचाए मंजिल में, सब उसमें मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा योगदान है। बहुत पढ़ाई में इतना दिलचस्पी करता, रात की नींद भी उसको नहीं आती, दो दो तीन तीन बजे उठ के पढ़ाई करता था। जब बोले सो जाओ तो बोले अम्मी तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है, ये दिमाग में रात में पढ़ेंगे, सन्नाटे में तो मेरे दिमाग में रहेगा, ऐसा बोलता है। ये डोंगरी इलाका अंडरवर्ल्ड और अपराध के नाम पर बदनाम रहा है। पड़ोसी आज इसकी पहचान बदलने से बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। अभी ये माशाल्लाह यही डोंगरी की मिसाल लोगों को पूरे जग में जा रही है। एक झोपड़पट्टी का एक लड़का सलूड है, और ऐसे कई बच्चे हैं जो ढूंढने पर मिलेंगे लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। ये चीज़ के लिए मैंने अपने बच्चों लोग को इनसे मिलाने के लिए आज लाया हूँ। आपके बच्चे? यही मेरे दोनों बच्चे हैं। हाँ। ये पढ़ रहे, तो मैं बोले आप जिनसे मिले हैं ना, वो यूपीएससी के एग्जाम दिए, अभी मिलेंगे आईपीएस ऑफिसर से आप मिलने जा रहे हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा जमात खाने वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिस हॉल्स वगैरह, वहाँ पे एक छोटा डेडिकेटेड स्पेस लाइब्रेरीज बनाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे नाके पे बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं वो लाइब्रेरी में बैठें। अगर पढ़ाई हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया है, डॉक्टर इंजीनियर भी बन चुके हैं, तो अच्छा लिटरेचर पढ़े, सीरियस लिटरेचर पढ़े, अपने पास्ट के बारे में पढ़े, अपने देश की ग्लोरी के बारे में पढ़े, अपने आप को इक्विप्ड रखे ताकि जो भी बने अच्छे वेल क्वालिफाइड सिटीजन बन सके, जो हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सके। ये लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहानी बताती है कि नियमित पढ़ाई, पक्का इरादा और परिवार का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी सैयद जैसी प्रतिभा को रोक नहीं सकते। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित और राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।